हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल अगेन। मैंने ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया है, क्योंकि जब लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, सबको लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बैंकॉक खुला है, क्या हम अभी बैंकॉक आ सकते हैं, क्या अभी टूरिज़्म ओपन है, क्या हम अभी बैंकॉक में घूम सकते हैं। तो लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर देने के लिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। इसके लिए हमने बस अपनी स्कूटी निकाली और हम एक ड्राइव पे गए। तो आइए हमारे साथ चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे। अब ऐसा है कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो वो हमेशा एम्बेसी में अप्लाई कर सकता है और वो बैंकॉक एनी टाइम ट्रैवल कर सकता है। फ़्लाइट्स की जानकारी दी जाती है हमें रेगुलर बेसिस पे। अब रही टूरिज़्म की बात, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अभी ही फुर्सत मिली है, लेकिन भाई पैंडेमिक भी अभी ही है। जो लोग ये मन में सोच रहे हैं कि हम लोगों को बैंकॉक घूमने जाना चाहिए, तो ये एक सही समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए इस सफ़र में जानेंगे कि ऐसा क्यों है। अब आगे देखिए, ये जगह जहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को पार्क में खेलने के लिए ले जाते हैं, सारे जगहों पे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं और हम लोगों को एंट्री बंद है। अब यहाँ से क्योंकि हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन वे है तो हम जा सकते हैं, लेकिन अगर खेलना हो, बच्चों को ले जाना हो, पार्क में टहलना हो, तो सब कुछ बंद है। कैन यू सी दैट? मैं आपके साथ हर जगह की कुछ ना कुछ पुरानी फ़ोटोज़ और वीडियोस भी शेयर करूँगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक ऑल अक्रॉस बैंकॉक छोटा सा ड्राइव कर लेते हैं अपनी स्कूटी पर, और इसके लिए हमने वीकडे सेलेक्ट किया, क्योंकि हम तब देख पाएंगे कि कितनी भीड़ है रोड पे, कितने सारे लोग चल रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है सब कुछ, आप बिना इमरजेंसी के कहीं मत जाइए, क्योंकि पैंडेमिक इज़ ऑन द टॉप दीज डेज। दिस इज़ द छायोफ्राया रिवर विच वी नीड टू क्रॉस व्हेन वी नीड टू गो अक्रॉस। अब आप देख रहे हैं ये बोट, ये भरी पड़ी हुई रहती थी, लोगों को वेट करना पड़ता था नेक्स्ट टर्न के लिए, लेकिन अभी 4-5 लोग ही इस बोट पे हैं। जब हम सब कुछ देखने के लिए निकले हैं तो ये छोटे छोटे बाज़ार वगैरह भी देखिए, जहाँ लोग ऑफिस से घर जा रहे होते थे तो यहाँ से चीज़ें खरीदते थे, बट अब कोई आ नहीं रहा है तो ये सारी जगह भी ऑलमोस्ट खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे बैंकॉक में जो ब्रिज है, बहुत सारे सुंदर सुंदर ब्रिज हैं, उनके नीचे ये प्लेग्राउंड्स बने होते हैं, बच्चों के खेलने की जगह बनी होती है, और ये आप देखिए सभी की सभी खाली पड़ी हुई है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चों को कहीं बाहर लेके मत जाइए, तो बस कोई भी बाहर नहीं निकलता। लोगों की मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो सब घर से काम कर रहे हैं, और खेलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते कोई। धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई थी, यू कैन सी द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन माई कैमरा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जब हम निकले ही हैं तो थोड़ी दूर घूम के ही आएंगे। थोड़ी दूर करते करते हमें लगा कि हमने अप्रॉक्सीमेट 14-15 किलोमीटर्स कवर किया। फिर वापस जाते समय हम दन दन करके गए घर, लेकिन एज़ यू सी ना कोई दुकान खुला है, और अगर दुकान खुले भी हैं तो फिर वहाँ पे लोग बहुत कम हैं, गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। क्या आपने बैंकॉक के बारे में सुना है कि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, ये बिल्डिंग्स का शहर है, यहाँ बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, बट अभी के टाइम में क्या आपको देख के लग रहा है इट इज़ इवन अ लिटिल बिट बिज़ी? अब ये तो पूरी ग्रीनरी वाली जगह थी, हम इसके अपोजिट उस साइड भी गए जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं। हम जब उधर की तरफ गए तो उधर का नज़ारा भी ऑलमोस्ट सेम था। वैसे लोग ऑफिसेस से निकलते थे शाम होते होते, अच्छी सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पे, ऐसे स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे बहुत हैपनिंग रखता है शाम को, वहाँ पे घूमने के लिए जाते थे। मैंने रेफरेंस के लिए थोड़े पिक्चर्स भी लगाए हैं जो हम लोग पहले घूमने गए थे। अब देखिए ये स्ट्रीट्स कैसी हो गई हैं, बस लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कैन यू सी दैट?
it looks so silent, so moon and so sad. If you would have done a research on Bangkok, you would have known ki Bangkok is based on tourism. Aur jab tourist nahi aa rahe hain to fir ye sab khula rakhne ka bhi koi matlab nahi, to logon ne sab kuch band kar diya hai. Ye jo streets aap dekh rahe hain ye puri bhari hoti thi har samay khachakhach, lekin abhi bilkul khali hai. ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल्स लगी होती थी, हज़ारों तरह की चीज़ें मिलती थी और बहुत चीप दामों में टूरिस्ट यहाँ पे ज़रूर आते थे. उन लोगों का ये एक शॉपिंग पॉइंट था, मतलब बहुत ही सुंदर जगह थी. अब आपने देखा एक भी स्टॉल नहीं है, नथिंग. ये देखो आप कितनी पतली पतली सड़कें, यहाँ पर घुस जाने के बाद लोगों का बाहर निकलने का मन ही नहीं होता था. लेकिन बस क्या बोले, अब तो सब कुछ बंद हो रखा है. आप देखो हमने दूसरी सड़क ले ली है. हमने सोचा कि कुछ एक एरियाज़ तो ज़रूर कवर करेंगे और एक टूरिज़म पॉइंट भी कवर करेंगे. ये देखो आप KFC देख रहे हो, लोगों की बाहर भीड़ लगी होती थी, वेट कर रहे होते थे. तो सड़क तो छोड़ दो, उसमें तो इतने कार्स बसेस गाड़ियाँ चल रही होती थी कि आपको जगह भी नहीं होता था अपनी गाड़ी निकालने का. और ये जो आप वॉकिंग प्लेस देख रहे हो ना, यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से चल पाते थे. हम तो जब भी चलते थे हमको रुपिन को गोदी लेकर के ही चलना पड़ता था. लेकिन आज ये नज़ारा देखो, पूरी जगह खाली. लोग खाना मंगवाते भी हैं तो ग्रैब से वो डिलीवर हो जाता है, इसीलिए आउटलेट्स पे कोई भी जाना नहीं चाहता है. तो हमने एक यू टर्न लिया कि हम थोड़ा दूसरी जगह को भी देखते हैं, रोड के इस साइड को भी देख लेते हैं थोड़ा. आप देखिए इधर पूरे मॉल्स भरे हुए हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल खालीपन है. जिनके पास व्हीकल नहीं है उनके लिए ये कॉर्नर्स पे बाइक टैक्सी वाले लोग खड़े होते थे, अब सारे ग्रैब ही खड़े हैं खाना ले जाने के लिए सबके घरों में. यहाँ पे आपको मॉल वाले एरियाज़ भी दिखेंगे जहाँ पे जनरली हमेशा थाई मूवीज़ की शूटिंग्स वगैरह चल रही होती थी. लेकिन अभी देखो ये पूरी खाली पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं ना. और जो ये छोटी छोटी गलियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे तो इतनी सारी गाड़ियाँ पार्क होती थी जहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता था पार्किंग स्पेस अगर आप मॉल में पार्क नहीं करना चाहते हैं तो. थोड़ी दूर आगे आए तो जैसा कि हमने कहा था एक टूरिज़म स्पॉट कवर करेंगे, तो हम लोग ऑलमोस्ट रिवर फ्रंट एशियाटिक के पास आ गए हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा. हम लोग वहाँ पर बहुत बारी गए हैं. एक्चुअली में अगर किसी को छोटी सी पार्टी करनी होती है तो सबसे फेवरेट प्लेस एशियाटिक ही होता है. घरों के पास भी है, पार्किंग स्पेस भी है, यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह भी थी. ओह आई फॉरगॉट, मुझे तो था थी ये लगाना है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं है. लोगों के पास सन्नाटा पड़ा हुआ है हर एक जगह पे, यू कैन वेरी वेल सी दैट. मैंने पुरानी पिक्चर्स भी डाली हैं इसमें जानबूझ के कि आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले कितना चहल पहल होता था और अब क्या हो गया है यहाँ पे. इट्स रियली सैड टू सी दैट. पिक्चर्स में ये डिफरेंस है कि हमारी पुरानी पिक्चर्स रात की हैं, क्योंकि जनरली हमने रात में विज़िट किया था एशियाटिक. लेकिन अगर आप दिन में भी आते तो उतनी ही चहल पहल होती है यहाँ पे. जब हम लोग ड्राइव पे निकलते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए हम बहुत दूर निकल जाते हैं. इसलिए वी डिसाइडेड टू गो बैक. और हमने ऑलमोस्ट बहुत सारा एरिया कवर किया बैंकॉक का. तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ बैंकॉक एट दिस मोमेंट. तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे. तो मैं जितने भी वीडियोस डालती हूँ हमेशा उसके डिस्क्रिप्शन में उनके डेट्स डालती हूँ, सो दैट यू ऑल मे नो विच टाइम आई एग्जैक्टली विजिटेड दोज प्लेसेस. तो भाई 100 बात की एक बात है, अगर आप किसी से मिलना चाहते हो, कोई अपना है, किसी के साथ समय बिताना चाहते हो और बैंकॉक आना चाहते हो, आप ज़रूर आओ. लेकिन अगर आप एक टूरिस्ट बन के बैंकॉक आना चाहते हो, यहाँ की सीनरी, यहाँ के जगहों का मज़ा लेना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट टाइम टू कम. आई टोटली बिलीव कि मैंने अपने कैमरे से आप लोगों को आज बैंकॉक की सैर कराई है. And I wish, I hope that you really like this video. For more updates, I want you all to subscribe my channel. Leave the comments
जिसको पढ़ के मैं बहुत खुश होती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप जो बोलते हो मैं उसको फॉलो करूँ। इसीलिए शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे मे आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। आई विश यू ऑल अ गुड हेल्थ एंड आई वांट यू ऑल टू मीट विथ मी इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।